सुप्रभात बच्चों, कल मैं आपको काल के बारे में बता रही थी, जिसके तीन भेद होते हैं। कल मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया, आज मैं आपको वर्तमान काल और भविष्य काल पढ़ाऊंगी। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, दर्जी कपड़े सिल रहा है तो अभी ये काम कर रहा है तो ये वर्तमान काल हो गया। बंदर केला खा रहा है, ये भी अभी खा ही रहा है, तो ये भी वर्तमान काल हो गया। तीसरा है भविष्यत काल, यानी जो होने वाला है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अमन नई पुस्तक खरीदेगा, यानी अभी खरीदी नहीं है, खरीदेगा। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे, यानी आने वाले समय में, आने वाले समय में जो काम होगा वो क्या है, भविष्यत काल। अब तक हमने क्या पढ़ा, काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।